Good morning, class first. Hello, how are you, my dear children? Welcome to the e-classes. I'm your new class teacher and my name is Surbhi Mishra, as well as I'm your English teacher also. And today we gonna learn about poem and the name of the chapter is beta the cuckoo. Yani aaj hum ek koyal jiska naam usko hum English mein cuckoo bulate hain. Kya bulate hain? We call it cuckoo. ठीक है, CUCKOO, कुकू. ओके, चैप्टर वन. हम आज इसी चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे अपनी ई क्लासेस में. बिकॉज स्कूल इज नॉट रनिंग, स्टिल वी हैव टू कंटिन्यू आवर स्टडीज. बेटा, स्कूल तो नहीं चल रहा है लेकिन आपको अपनी पढ़ाई तो करनी है, अदरवाइज यू विल ऑल गो बैक. आप सब भूल जाएंगे तो. और आप सब अब UKG से फर्स्ट क्लास में आ गए हैं, तो आई वेलकम यू ऑल इन माई क्लास एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे से घर पे भी पढ़ाई करेंगे और जो मैं आपको इस क्लासेस में या अदर टीचर्स आपको पढ़ाएंगे उस पर आप अपना फोकस ज़रूर देंगे और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन बेटा. सबसे पहले जान लेते हैं कि पोयम में हमें बताने क्या वाले हैं. ठीक है, अबाउट द पोयम, यानी हम सबसे पहले जान लेते हैं कि पोयम में क्या लिखा हुआ है. ठीक है, शॉर्ट में दिस पोयम डिस्क्राइब्स. ये पोयम डिस्क्राइब्स मीन्स बताना बेटा. दिस पोयम डिस्क्राइब्स द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द कुकू बर्ड. यानी यहाँ पर ये पोयम हमें ये जो चिड़िया है कुकू बर्ड है इसके नेचर, मतलब इसका जो भी बर्ताव होगा, वेदर ही इज़ हैप्पी सैड व्हाट काइंड ऑफ अ बर्ड ही इज़, इसके बारे में और इसका क्या बिहेवियर है, कि अच्छे से रहती है कि नहीं रहती है, कि क्या इसका नेचर है, उसके बारे में भी हमें इस पोयम में अभी पता चल जाएगा. ओके, द कुकूज अ फाइन बर्ड. कुकू जो है वो एक बहुत ही फाइन मीन्स एलिगेंट मीन्स काफ़ी अच्छी चिड़िया होती है. ही सिंग्स एज ही फ्लाइज. और वो जैसे ही उड़ती है तो वो उड़ने के साथ साथ गाती भी है. यानी जो कुकू बर्ड होती है, आपने अक्सर करके समर हॉट सीजन यानी गर्मियों के दिनों में सुना होगा कि पेड़ पे कोयल बोलती रहती है कू काइंड ऑफ करके, है ना. सो दैट इज़ द साउंड ऑफ द बर्ड कुकू. वो कोयल ही बोलती है बेटा. हमारे बड़े कहते हैं ना कोयल गा रही है, ठीक है ना. तो ये द कुकू अ फाइन बर्ड, जो कुकू एक बहुत अच्छी बर्ड होती है. ही सिंग्स एज ही फ्लाइज. वो जैसे ही उड़ती है वो गाना भी शुरू करती है. ब्रिंग्स अस गुड टिडिंग्स. वो हमारे लिए अच्छी खबर. टिडिंग्स का मतलब होता है बेटा अच्छी खबर, न्यूज़. मीनिंग ऑफ टिडिंग्स इज न्यूज़. टिडिंग्स TIDINGS टिडिंग्स मीन्स न्यूज़. ही टेल्स अस लाइज. लेकिन वो हमें झूठ भी बताती है, ठीक है. यानी ब्रिंग्स अस गुड न्यूज़, वो हमारे लिए अच्छी खबर तो लाती है लेकिन साथ साथ वो हमें ही टेल्स, वो हमें झूठ भी बताता है. क्या झूठ बताता है? लाइज मीन्स झूठ. ओके, लेट्स सी. ही सक्स लिटिल बर्ड्स एग्स. वो छोटी छोटी चिड़ियों के अंडों को क्या करती है? सक कर लेता है. जो कुकू बर्ड होता है वो छोटी छोटी चिड़ियों के अंडों में को सक कर लेती है. मीन्स अगर आप उसको किसी चिड़िया के घोंसले में अंडे दिखते हैं इन केस देन ही गो टूवर्ड्स दैट एग. वो उस एग की तरफ जाती है बेटा और उस पर अपनी बीक को रख के उसके अंदर जो येलोइश पोर्शन होता है उसको अपनी बीक से सक कर लेती है. ओके, टू मेक हर वॉइस क्लियर, ताकि उसकी जो आवाज़ है वो हमेशा साफ रहे. वॉइस मीन्स आवाज़. जो गले से हमारी साउंड निकलता है दैट इज़ कॉल्ड वॉइस, ठीक है ना. तो वो क्या हो, क्लियर हो, साफ हो उसकी आवाज़, इसीलिए वो एग्स को सक कर लेती है लिटिल बर्ड्स के. व्हेन आई एम सॉरी एंड व्हेन ही सिंग्स कुकू. और जब वो कू कू का साउंड निकालती है द समर इज नियर. और वो कब निकालती है ये साउंड? जब गर्मी आ जाती है, जब बहुत हॉट सीज़न यानी दैट दिस मे एंड जून, अप्रैल में जून, ये सब का जब मौसम चलता है बेटा देन ही स्टार्ट सिंगिंग. वो पेड़ों के घने पेड़ों में बैठकर वहां से गाना गाता है. ओके, सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट द बर्ड कुकू. आई होप यू ऑल हैव लर्न इट. डू मार्क द हार्ड वर्ड्स. हार्ड वर्ड्स को ज़रूर मार्क कीजिए बेटा. एंड हियर आर सम वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो ऑफ द वर्ड्स फाइन. फाइन मीन्स एलिगेंट. जब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, कुछ बहुत अच्छी चीज़ होती है दैट इज़ नोन एज एलिगेंट. टेडिंग्स मीन्स न्यूज़ खबर. वॉइस साउंड अटर्ड बाय द माउथ. यानी जो आवाज़ मुंह से निकलती है दैट इज़ नोन एज वॉइस. समर
हॉट सीजन, समर का मतलब होता है गर्मी का मौसम. ओके, सो बिफोर एंडिंग द चैप्टर लेट मी टेल यू क्लास फर्स्ट बेटा, व्हेन यू विल कम टू द क्लासेस आपको ये पोयम ज़रूर याद रखनी है. आपको इसका बहुत ख्याल रखना है कि पोयम आपको याद रहे. एज वेल एज मैं आपको अभी से बता दूँ, इन जब भी आपका एग्जाम या टेस्ट होंगे बेटा, आई विल गिव यू दिस वर्ड, वर्ड्स रिटन फ्रॉम द ब्लैक लेटर, इन ब्लैक लेटर्स, जो भी आपको इस ब्लैक लेटर्स में वर्ड्स लिखे दिख रहे हैं बेटा, ये मैं आपको दूंगी. इनके आंसर्स ये दिए हुए हैं जिन्हें आपको घर पर बैठकर अभी से ही लर्न करना, प्रैक्टिस करना शुरू करना है. बिकॉज नाउ यू ऑल आर इन क्लास फर्स्ट, आपको बहुत प्रॉपरली डेट वाइज अपना क्वेश्चन आंसर्स, अपने वर्ड मीनिंग्स, अपनी राइटिंग, इन सब पर आपको बहुत सारा वर्क करना है. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम टुडे ओनली. ओके, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट चैप्टर. बट बिफोर दिस चैप्टर हम इसकी एक्सरसाइज और सब कुछ करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे मैं आपको फिर से मिलूंगी. ओके, टिल देन टेक केयर योर सेल्फ, बी एट योर होम एंड बी सेफ बेटा, एंड डू लर्न द पोएम. थैंक यू.